जो हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉक हम बाय कर रहे हैं तो खरीदने से पहले हमें स्टॉक में कौन सी बातों को देखना चाहिए, कंपनी में हमें क्या चीज़ों को देखना चाहिए, उन सारी बातों की जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी बताई थी कि हम किसी भी स्टॉक को खरीदते समय टेक्निकल एनालिसिस हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन से लेवल को हम देख सकते हैं कि स्टॉक खरीदना हमारे लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है, इन सारी बातों के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई थी। अब यहाँ पे जो बात करने वाले हैं ये फंडामेंटल के साथ बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जो काम करते हैं वो टेक्निकल पे काम करते हैं और कुछ लोग जो है फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। अगर मान लो कि हमारा व्यू इस मार्केट में लॉन्ग टर्म का है, अगर हम लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक में क्या ग्रोथ आ सकती है, स्टॉक में कितने ज़्यादा अपसाइड के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, या हम कोई ऐसे स्टॉक को खरीदना चाहते हैं जिसके अंदर डिविडेंड यील्ड अच्छी है और हम उस स्टॉक में डिविडेंड का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिल जाती है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या हो रही है, कंपनी के पास ऑर्डर कितने हैं या कंपनी नुकसान में तो नहीं चल रही है, कंपनी डिविडेंड की यील्ड कितनी रखती है, सारी जानकारी हमें मिल जाती है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हम जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं, पूरा अपडेट हम समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एंजेवन एप्लीकेशन पे आना होगा। अगर आपके पास दोस्तों एंजेवन का डिमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने बेस्ट ऑफर्स के साथ फ्री डिमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक को डिस्क्रिप्शन में लगा के रखा है। आप आज अपना डिमेट अकाउंट एंजेवन के साथ ओपन करें और यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करें। अब हम यहाँ पे स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में जानकारी लेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एंजेवन एप्लीकेशन को लॉगिन करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे साइट में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको नीचे में एक वॉचलिस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस वॉचलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे वॉचलिस्ट पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी स्टॉक को ऐड कर लेना है, जिस स्टॉक पे आप एनालिसिस करना चाहते हैं वो स्टॉक आपको ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे एक स्टॉक को ऐड कर लेता हूँ जो मेरे पास ऐड है यहाँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। सिंपली क्लिक करने के बाद आपको नीचे साइड में एक स्टॉक डिटेल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां ऊपर साइड में तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन तीनों ऑप्शन के में से मैंने दो ऑप्शन के बारे में प्रीवियस वीडियो में पूरी जानकारी बता दी है। अब मैं आपको यहाँ पे फंडामेंटल के बारे में जानकारी बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे फंडामेंटल के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको कंपनी के बारे में जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिल जाता है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कौन से ग्रुप से है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन से स्टॉक एक्सचेंज से है। हमने यहाँ पे BSE स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक को लगा के रखा है। अब आपको देखने को मिलेगा नो यूअर स्टॉक, आप अपने स्टॉक को जानो पहचानो। तो आप किस प्रकार से जान सकते हैं यहाँ पे, तो आपको देखेंगे यहाँ पे एवरेज क्वांटिटी, तो एवरेज क्वांटिटी में यहाँ से आपको 5 में से 3 आपको यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलेंगे। वैल्यूएशन में आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इसकी पॉजिटिव फाइनेंशियल ट्रेंड पे आपको यहाँ 5 में से 3 पॉइंट यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब आपको देखने को मिलेंगे कि एक साल में इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया है ये लगभग 66.24% से ज़्यादा का यहाँ पे रिटर्न हमें देखने को मिला है। अपने सेक्टर में इस स्टॉक ने 6.75% का रिटर्न दिया है। इसके बाद अगर देखते हैं यहाँ पे, तो मार्केट में जो रिटर्न दिया है ये 21.98 का इसने परसेंटेज में रिटर्न दिया है। अधिक जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इसके नॉर्मल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अधिक जानकारी यहाँ पे क्वांटिटी सिक्योर्ड के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसमें एक्सीलेंट मैनेजमेंट रिस्क देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे ब्लो एवरेज देखने को मिल जाएगा, इसी कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल जाती है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है वो आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इन पे आप क्लिक करोगे तो आपको हर एक लेवल पे आपको हर एक अपडेट मिल जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे वैल्यूएशन स्कोर कार्ड को देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इसमें प्राइस चेंज जो देखने को मिलेगा ये 66.68% के यहाँ पे प्राइस में चेंज है। अर्निंग यहाँ पे जो है 21.5% के यहाँ पे अर्निंग में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके साथ हम यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं कि इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड पे आता हूँ तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इसमें जो पॉजिटिव फैक्टर है, तीन आपको पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, हाईएस्ट नेट सेल्स और PBDIT आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप इनके ऊपर क्लिक करके एक एक पॉइंट को आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद व्यू मोर का ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे और ज़्यादा अपडेट देखने को मिल जाती है। इन अपडेट को आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं और एनालाइज करने के बाद इस स्टॉक में आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको तो ये जानकारी मिल जाए, इसके बाद हम यहाँ पर ब्रेक पर क्लिक करेंगे। ब्रेक पर क्लिक करने के बाद आपको फंडामेंटल रेशियो पर आना होता है। फंडामेंटल रेशियो पर आने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा इसका PE रेशियो, इसका
प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है, जो 12.13 है। इसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू आप यहाँ देख पाएंगे। इसके बाद ईवी टू ईवी ईबीटा आपको देखने को मिल जाता है, ईवी टू ईबीटा भी आपको देखने को मिलेगा, इसका क्या चल रहा है। इसके बाद ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड जो है -2.21 पे चल रहा है, ईवी टू सेल्स 2.05 पे चल रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसमें ROCE आपको देखने को मिल जाता है, जो नेगेटिव कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये 30.76% पे यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जून क्वार्टर में इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये आपको देखने को मिलेगा। मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर का आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हैं, FIS की होल्डिंग देख सकते हैं, उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग, अदर DIIs की होल्डिंग और नॉन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये देखने को मिल जाता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो यहाँ पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रही है या अपनी होल्डिंग को बढ़ा रही है या घटा रही है, ये सारा डाटा आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको नॉन इंस्टीट्यूशन में जो होल्डिंग बन रही है वो कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी होल्डिंग को बेच रही है या होल्डिंग को बढ़ा रही है। अगर मान लो कि कोई कंपनी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है, तो ये मान सकते हैं कि आगे स्टॉक में बहुत ज़्यादा अपसाइड के देखने के चांसेस देखने को मिल जाते हैं। और अगर अपनी होल्डिंग को घटा रही है या कंपनी को घटा रही है या प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए कि इस कंपनी में ऐसी क्या न्यूज़ है जिसके कारण प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं या प्रमोटर अपनी होल्डिंग को गिरवे रख रहे हैं, उसका पीछे रीज़न क्या है। इसके ये सारी जानकारी हमें यहाँ पर फंडामेंटल रेशियो पर देखने को मिल जाती है। अगर मान लो कि म्यूचुअल फंड कंपनियाँ या प्रमोटर्स या अदर DIIs या FIIs अपनी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर कोई पॉजिटिव रीज़न है तो हम इस कम प्रकार के स्टॉक्स में हम थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं और यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे फंडामेंटल चेक कर सकते हैं, फंडामेंटल चेक करने के बाद स्टॉक में हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो आपने देखा कि आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने स्टॉक को यहाँ पर आगे लेके जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा कि आप किसी भी स्टॉक का कंपनी का फंडामेंटल किस प्रकार से देख सकते हैं, किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। आगे के वीडियो में हम आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताएंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से रीड कर सकते हैं, ये सारा कुछ अपडेट आपको आने वाले वीडियो में, आने वाले टॉपिक में देखने को मिलेगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको इस चैनल पर आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगी। चैनल पर दोस्तों नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इस वीडियो आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी यह इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे और वह भी स्टॉक मार्केट में बेसिक्स से लेकर एडवांस कोर्स की सीरीज को पूरी यहां पे सीख सके। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।